किसानों के मुद्दे पर कल हुए हंगामे के बाद आज संसद की कार्यवाही पर सभी की निगाहें हैं। राज्यसभा में आज गतिरोध खत्म हो सकता है। न्यूज 18 के अरुण सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार और विपक्ष के बीच इस पर बात हुई है और बीच का रास्ता निकाला गया है। दोनों पक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस का समय 10 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे करने पर सहमत हुए हैं। 14 घंटे की चर्चा के समय प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा और विपक्ष किसानों के मुद्दे इसी बहस में उठा सकता है। विपक्ष के कुछ दलों का मानना है कि सदन न चलने देने से अच्छा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के समय ही किसानों के मुद्दे उठाए जाएं, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कोई भी मुद्दा उठाया जा सकता है। कुछ दलों का मानना है कि किसानों तक विपक्ष का संदेश ले जाने का यही तरीका है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने से कोई संदेश नहीं जा रहा है। हालांकि इस पर आखिरी फैसला सदन की कार्यवाही से पहले होने वाली बैठक में होगा।